वेलकम बैक टू माई चैनल निकू सुमित ऑफिशियल। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड यहाँ पे आया था एक बहुत अमेजिंग सा पार्सल जो बहुत टाइम से हमें अपने घर के लिए चाहिए था एंड फाइनली यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एड्रेस है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही, बट मैं वैसे बता दे रही हूँ, परम हरि निवास हमारे घर का नेम प्लेट है जो मेरे हस्बैंड ने स्पेशली सोचा था। सासू माँ और ससुर जी का दोनों का नेम को एक साथ करके हमने ये जो नेम प्लेट है वो बनवाया है। मेरी सासू माँ का नाम है परमिला और मेरे ससुर जी का नाम है हरिशंकर। तो इन दोनों जने के नाम को ज्वाइंट करके एक बहुत प्यारा सा नेम बनाया गया है जो मम्मी को दिखाया। मम्मी सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब हमारे घर के आगे हम लगाएंगे। बाकी बहुत सारे चॉकलेट्स थे, ये मुझे मेरे किसी प्यारे से सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड बहुत प्यारा लगता जब हमारे वॉल पर लगता। तो अगर एड्रेस नहीं होता तो मैं आपको वैसे दिखाती, बट एड्रेस की वजह से मैंने थोड़ा सा हाइड किया है। एंड गाइज, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना, आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को लेंगे। सो गाइस, हमारे यहाँ कहते हैं, मैं ऐसे प्याज काट रही थी, कहाँ गई हमारे चाकू या, तो मेरे आँख से पूरा आंसू आंसू गिर रहा था। तो मैंने सोचा कि इसे रिकॉर्ड करती हूँ। हमारे यहाँ सुनना है कि कहते हैं कि प्याज काटते वक्त जब आँख से खूब आंसू निकलता है तो इसका मतलब सास बहुत प्यार करती है। आपके यहाँ क्या कहावत है बताइएगा। किसी के यहाँ ये कहा जाता है कि पति बहुत प्यार करते हैं, किसी के यहाँ सास बहुत प्यार करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग बताइएगा। मेरे तो आँख से बहुत आंसू निकलता है, बहुत सारे लोग के नहीं निकलता है। मेरी सासू माँ है, उनकी आँख से बिल्कुल आंसू नहीं निकलता, लेकिन वो बताती है उनकी सास उनसे बहुत बहुत प्यार करती थी, मतलब बहुत मानती थी। तो मम्मी बोलते हैं कि सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरा तो मतलब जब भी मैं प्याज काटने बैठती हूँ ना, भर भर के आंसू गिरता है। तो आज आया हुआ है शिवम, मम्मी ने स्पेशली बुलाया है फ़ोन करके मेरी सासू माँ ने। शिवम एक ऐसा लड़का है ना, मतलब किसी किसी का नेचर होता नहीं है कि उसके बड़े से लेके बूढ़े हर कोई दोस्त है, वो वैसे नेचर का है। जो मेरी मामी जी है उनको शिवम बोलता है कि मेरी सखी है, सहेली है। तो ना शिवम का नेचर बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादातर ना उसके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे ज़्यादा पटता है। मेरे यहाँ पे भी मेरे ससुर जी से उसका बहुत पटता है। तो वो आया हुआ था अपने कुछ काम से दिल्ली, और शिवम ना प्रॉपर गांव में शिफ्ट हो चुका है, मतलब वहाँ पे उसका सैलून वगैरह सब कुछ है तो ज़्यादा आ नहीं पाता है, लेकिन जब भी आता है एक दो दिन के लिए समय निकाल के तो यहाँ ज़रूर आता है। और शिवम से मेरा क्या रिलेशन है, शिवम मेरा रिलेशन में मामा लगता है, बट हम लोग क्योंकि सेम एज के हैं और साथ के हैं तो फिर अजीब लगता है। तो हम भाई बहन वाला रिश्ता, फ्रेंड वाला रिश्ता ही निभाते हैं। बाकी खाने की तैयारी चल रही है, चल रही हूँ किचन में, बनाती हूँ खाना। और गाइज, मेरे एज को लेके पता नहीं लोगों को इतना कंफ्यूजन क्यों होता है। किसी किसी ने तो कमेंट किया है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। पता नहीं, मैं पता है मैं बहुत ज़्यादा ना दुबली हो गई हूँ, और जब इंसान दुबला होता है ना तो उसके फेस थोड़ा सा लगता है, और वही जब अच्छा हेल्थ हो, अच्छा सब कुछ हो ना, तो वो हेल्दी भी लगता है और साथ कुछ अच्छा लगता है। बाकी मैंने अपने मम्मी पापा की शादी का कार्ड ऑलरेडी शेयर किया हुआ है लास्ट ईयर, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो, और कहोगे तो फिर से शेयर कर दूंगी। है ना, मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे आपको यकीन आए तो मैं वो वैसे कर दूंगी। बाकी बस नॉर्मल यही चल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, खाना पीना बना रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। ब्लैंकेट से निकलने का तो बिल्कुल मतलब इच्छा ही नहीं हो रहा है, इतना भयंकर ठंड पड़ रहा है ना कि मन कर रहा है कि चुपचाप बस ब्लैंकेट में लेटे रहो। भाई पार्टी फंक्शन में ठंड नहीं लगती, मुझे लगता है सारी लड़कियों का यही होगा, किसी को ठंड नहीं लगती होगी, बट घर पे बहुत ठंड लगती है। और धनवी को आप लोग कहते हो हमेशा कैप नहीं पहनाते, सॉक्स नहीं पहनाते, लापरवाह हो, तो मेरी गलती नहीं है, धनवी ना पहनती नहीं है, उसको मतलब बेचैनी होने लग जाती है, फिर वो बहुत देर रोने लगती है अगर ज़बरदस्ती पहना भी दो तो, इसलिए वो पहनती ही नहीं है। बहुत कोशिश कर लिया, पिटाई करके देख लिया, डांट के देख लिया, डरा के देख लिया, लेकिन वो नहीं पहनती है। तो इसलिए मैंने भी छोड़ दिया कि ठीक है यार, बच्चों के साथ ज़िद नहीं किया जा सकता है,
चलिए गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं, फिर शिवम आता है तो उससे मिल जाते हैं हमारे घर। कौन कैमरा से डर लगता है साहब। बैठो बैठी तो मेरे क्या वीडियो वाला समय अब मिला है मुझे कैमरा ऑन करने का। मेरी खातिरदारी में बिजी थी ये। अभी जब मैं कहीं पार्टी वार्टी से आती हूँ ना तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, नजर लाग जाला। और उसके बाद से हम आए तो आने के बाद से पूरा खातिरदारी बाप रे ट्रे पे ट्रे ट्रे पे ट्रे। और ये बस मुझे ट्रे में था क्या? ओढ़ ले ठंडा लगी। सो गाइस शिवम जी बताइए कैसे रहा आपका? हम लोग शिवम को छोड़ के मेरे भट्टे में घूमने चले गए थे। चुप रहो। शिवम बाप हो तो मुझे पता था कि तुम लोग गए हो। तो पता था लेकिन कितना मुंह फुलाए थे। नहीं मुंह फुलाए थे। हां शिवम की फर्स्ट ब्राइड निक्की सुमित ऑफिशियल मैं थी। और उसके बाद से आज भी तेरे पार्लर में लोग आते तो क्या बोलते थोड़ा बताना। हमने आपको निक्की सुमित की वीडियो में देखा है। निक्की सुमित क्या है आपकी? निक्की सुमित आप उनको जानते हो? तो वीडियो में देखो तो ऑफकोर्स जानते हैं। शिवम का पार्लर बहुत फेमस है गोपालगंज में। कहाँ बाटे पार्लर तहत? गोपालगंज में पोस्ट ऑफिस सोना कॉम्प्लेक्स बंजारी रोड गोपालगंज फर्स्ट फ्लोर मंगल मार्बल के ऊपर। प्रमोशन फ्री में प्रमोशन। पीएनबी बैंक वाले का जो बैंक का गेट है उसके बगल का जो गेट है वो मेरा ही है। और पता है काफ़ी फेमस है, मतलब जितने वहाँ के फेमस लोग हैं वो काफ़ी शिवम के यहाँ जाते हैं क्योंकि शिवम का काम बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने कई बार धनवी के फर्स्ट बर्थडे पे देखा था, मेरा रिसेप्शन, मेरी शादी, और कब किया है? हर बार तो मैं ही करता हूँ। हाँ, हमेशा तो ब्लैक साड़ी में। सबको सच पता है क्योंकि मैंने मेकअप शूट वीडियो डाला था। कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम मुझे लोगों ने, मतलब वैसे हमेशा मेरे लुक को बहुत प्यार देते हैं बट मतलब काफ़ी अलग तरीके का कॉम्प्लीमेंट था। किसी ने सबने क्या कमेंट किया था, कैसा लुक आ रहा था शिवम? मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत रॉयल लुक आ रहा था, ऐसे राजघराने टाइप। तो बहुत अच्छा था। तो गाइज मिलते हैं आप। सो गाइज आज में बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने पापा जी से रिक्वेस्ट की कि पापा जी प्लीज़ आग जलाइए कि थोड़ा सा राहत मिले क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना दिल्ली में, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और हम सब लोग बैठ गए थे, शिवम वगैरह सब लोग नीचे, और यहाँ पापा जी कुछ कुछ बोल रहे थे। हमारे घर में भी पापा जी कह रहे थे सबसे ज़्यादा मुझे ही ठंड लगती है, और सच में मुझे से लगता है बहुत ठंड लगती है मुझे। ये रो रहा है भाई। ये है पापा, अरे हमारा नया छोटा बेबी। सो गाइज हमें जरूर कॉन्ग्रेचुलेशन बोले, हमारा सेकंड बेबी आ चुका है। हमारा सेकंड बेबी बहुत छोटा। धनवी कौन है ये? क्यूटी, ठीक है। और हमारे सेकंड बेबी का नाम है क्यूटी। सो जिन जिनको अभी तक चाह था कि हमारा सेकंड बेबी कब आएगा क्या आएगा, तो उन सबको फाइनली, बहुत क्यूट है फाइनली, हम रिवील करते हैं। धनवी ने उनको प्रोटेक्ट किया है क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है, तो धनवी के लिए पापा कवर। तो हम फाइनली इतने बड़े न्यूज को बहुत आराम से बैठ के हम रिवील कर रहे हैं कि हमारा जो सेकंड बेबी है वो हो चुका है। और सच में हम इसको सेकंड बेबी की तरह ही रखते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, और इसको हम लोग रजाई में अपने साथ रात को सुलाते हैं, और रात में जब आँख खुलती है और एकदम से दिख जाए तो डर जाते हैं। हम छोटे उधर फेंक दो पापा, फेंको। नहीं छोटा बेबी को नहीं फेंकते ना, इसको नीचे रख दो धनवी, यहाँ पे रख दो। धनवी पापा कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर लगते हैं मेरे पापा। और मम्मा भी ठीक लग रही है। सो गाइस जिस जिसको इंतजार था फाइनली आज उनको पता चल गया है कि हमारा सेकंड बेबी आ चुका है। सेकंड बेबी जिस जिसको इंतजार था हमारे सेकंड बेबी का, फाइनली हमने रिवील कर दिया। आज हमारे घर बन रहा है फिर मम्मी का डिश। आज क्या बन रहा है मम्मी? छोले भटूरे। भटूरे और छोले। कल बना था इडली सांभर लेकिन मैं नहीं शेयर कर पाई थी, आज करती हूँ मम्मी का डिश। तो गाइस आज संडे और आज का स्पेशल है, जैसे कि आपको मैंने बताया छोले भटूरे। तो मैं और मम्मी यहाँ पे लग गए हैं उसकी तैयारी करने में। और सबसे पहले ना मैंने थोड़ा बहुत जो किचन है वो क्लीन किया ताकि अच्छे से वीडियो आप सभी के साथ शूट करूँ और क्लीन क्लीन लगे सारी चीज़ें। सो यहाँ पे मैं वही सब कर रही हूँ। एक तरफ मैंने छोले उबलने के लिए रख दिया है और एक तरफ थोड़ी सी जो क्लीनिंग है वो कर रही हूँ। और वैसे मैं बताऊँ जो ऊपर से जो सारा काम है तैयार करके देने वाला वो मैंने कर दिया था, बाकी मम्मी ने बनाया था सच बताऊँ तो,
क्यों मम्मी का क्रेडिट खुद लेना। संडे है, सैटरडे संडे है और यहाँ पे मैं उनसे कुछ कुछ बातें कर रही थी। मसाला वगैरह, प्याज टमाटर सब कुछ कट वट के दे दिया था, जो मतलब छोंकने वाला काम है वो किया था। फिर जो भटूरे वगैरह है वो हमने मिल के बना लिए थे। और ठंड तो इतनी ज़्यादा है और कभी कभी ओवर एक्टिंग क्या हमेशा ही करनी चाहिए यार। एक बात बताओ, 25 साल की उम्र के लड़की से आप 35 साल वाला हरकत उम्मीद क्यों करते हो? जब 35 साल की होंगी तो करूँगी 35 साल वाली हरकतें, अभी 25 साल की तो 25 साल वाली कर रही हूँ। उम्र के हिसाब से सारी चीज़ें हो जाती हैं ऑटोमेटिक। कोई भी अब मैच्योरिटी वाली बात, जितनी उम्र है मेरी मैं उसके हिसाब से ही बात करूँगी। और बाकी शादी का कार्ड तो जिसको भी कन्फ्यूजन है वो मेरे लास्ट ईयर वाला, मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी वाला जो ब्लॉग है उसमें देख लेना, मैंने वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है शादी के कार्ड की फ़ोटो एवरीथिंग। तो यहाँ पे ना हम सब कमेंट्स वगैरह की बात कर रहे थे, विकास को मैं बता रही थी तो वो ही विकास कह रहे थे कि भाभी हमेशा इग्नोर करना चाहिए। सो गाइस, ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं कुछ छेड़ रही थी और विकास आए हुए हैं, क्योंकि आपको तो पता ही अभी छुट्टियाँ हैं 3-4 दिन की, तो हम लोगों ने सोचा कि साथ मिलके सब लोग रहेंगे।